जैसा कि हमारी आदर्श माँ सावित्री बाई फुले और माँ रमा अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों को अपने समाज को मजबूत बनाना है। सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मंचा श्री श्रद्धे वंदे जी को मेरा बंदनामी। आज बहुत ही खुशी का दिन है जो इस कार्यक्रम में इतनी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं और मुझे भी आज अपनी बात रखने का श्रद्धा वंते जी ने समय दिया। वंते जी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात आप सबके सामने रखूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज समाज में हम महिलाओं की बेटियों की बहुत अच्छी हालत नहीं है। हम लगातार समाज की बातें करते हैं लेकिन माँ बहनों के ऊपर जो संकट आज मंडरा रहा है उसको हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आज जरूरत है कि माँ बहनों को सही रास्ते पे लाया जाए और उनको शिक्षित किया जाए। जैसा कि हमारी आदर्श माँ सावित्री बाई फुले और माँ रमा अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों को अपने समाज को मजबूत बनाना है, शिक्षित करना है और आने वाली पीढ़ी में एक श्रेष्ठ मार्ग देना है। इसलिए आज हम सभी बहनों को अब जागना होगा, अपने अधिकार को समझना होगा। तो आज श्रद्धेय बंते जी जैसा भी हमको मार्गदर्शन बताएंगे उसी का अनुसरण करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है, स्वयं को मजबूत करना है, उसके बाद अपने समाज में जा जाकर जो भी हमारी आदर्श महिला है उनके बारे में सभी को बताना है और गलत परंपरा मान्यता अंधविश्वास से सबको निकालना है। तभी हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा कर पाएंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब किसी घर में कोई बेटा शिक्षित होता है तो उस घर में वही अकेला पढ़ा लिखा बनता है। जब किसी घर में कोई बेटी पढ़ी लिखी होती है तो लेकिन जब किसी घर में पूरा परिवार पढ़ा लिखा बन जाता है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज हम बेटियों के कंधों पर है। तो हमको और हमारे समाज को यह समझना होगा कि किसी भी सूरत में बेटा और बेटी में कोई फर्क ना समझे। जिस प्रकार माँ सावित्री बाई फूले ने जब उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, ना तो बोलने का ना ही पढ़ने का, उसके बावजूद उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में उस माहौल को बदलने का निर्णय लिया जिसके बारे में लोग सोच नहीं पाते थे। आज तो हमारे पास परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है जिसके द्वारा पूरा देश आज चल रहा है और जिसमें लड़का लड़की बिना भेद किए हुए सभी अधिकार दिए गए हैं। तो उन अधिकार का इस्तेमाल करते हुए समाज को मजबूत बनाना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आज जैसा भी मार्गदर्शन श्रद्धेय बंदे जी देंगे उनकी एक एक बात पर हम सभी लोगों को अनुसरण करेंगे और संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में हम अपने समाज को मजबूत और शिक्षित स्वनिर्माण बनाएंगे। आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत साधु।